राजद की तरफ से बिहार विधानसभा घेराव को लेकर आज रैली निकाली जा रही है और ये पटना के गांधी मैदान से रैली निकाली जा रही है। पटना के जगबंगला चौराहे होते हुए रैली जाएगी। फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट की गई है काफ़ी संख्या में है, अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। देखिए संख्या जिस तरह से मानी जा रही है पहुंचेगी, अभी भी जो संख्या है राजद के कार्यकर्ताओं की वो पहुंचने के लिए आगे बढ़ रही है गांधी मैदान, और गांधी मैदान से जेपी गोलंबर से तेजस्वी के साथ जो है ये रैली निकलेंगे। SDM के रूप में और जो कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के रूप में कई जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को लगाया गया। सर एक जानकारी दें सर, क्या लग रहा है कितनी भीड़ होगी और क्या आप लोग यहाँ से आगे उन्हें बढ़ने देंगे? यहाँ से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देंगे बल का, क्योंकि उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप लोग किस तरह से अपने बल को व्यवस्थित करके रखें, कितने फोर्स हैं सर? फोर्स को लगता है कि 1000 के आसपास यहाँ पर हमारे फोर्स हैं, उनकी जो भी संख्या है हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। आगे अगर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए वाटर कैनन है, बाकी बल का भी प्रयोग किया जाएगा। पटना के जिला प्रशासन की तरफ से जो है व्यवस्था वो सुनिश्चित कर ली गई है। CTSP, ADM, SDM में तमाम पदाधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और उन तमाम लोगों को ये देखिए निर्देशित किया जा रहा है कि रस्सा बांध कर आगे बढ़ने की कोशिश राजद के युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से होगी और उनको रोकने के लिए जो है प्रशासन की भी है, ADM पटना भी है। सर काफ़ी सर भीड़ ज़्यादा पहुँच रही है, सर आप लोग किस तरह से व्यवस्थित रखें कि आगे उन्हें ना बढ़ने दिया जा सके? देखिए यहीं पर रोका जाएगा है ना, और बाकी बैरिकेडिंग वगैरह कर रहे हैं और फोर्स भी पर्याप्त मात्रा में बुला ली गई है। सर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सर उस संदर्भ में नेसेसरी एक्शन होगा हम लोग लेंगे। प्रशासन अपने स्तर से पूरी तरह से मुस्तैद है। डाकबंगला चौराहा है ये उनका आखिरी बढ़ने का ये स्थान होगा और यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि खुद ADM पटना है उन्होंने भी अपने साथ हेलमेट रखा, जो CTSPs हैं वो भी अपने साथ हेलमेट रख चुके हैं, यानी तैयारी प्रशासन की कड़ी है और किसी तरह से अगर राजद के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यहीं पर रोका जाएगा। बल प्रयोग करने के लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। वाटर कैनन हो चाहे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, वाटर ये तमाम तरह की व्यवस्थाएँ जो है यहाँ पर करके निश्चित करके रखी गई है ताकि विधानसभा जो घेराव है उसे पूरा ना ही करने दिया जाए। कारण बस यही है कि विधानसभा सत्र चल रहा है और 144 वहां पे लगा हुआ है, किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि वहां पर नहीं हो सकती है जो संवैधानिक नहीं है। राजद के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की जरूर कोशिश करेंगे, प्रशासन मगर उन्हें रोकने के लिए मुस्तैद खड़ी है।